फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की. आज है 20 मार्च 2020. इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे. टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे. मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगे, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज डिस्कस करेंगे. स्टेट में पश्चिम बंगाल को डिस्कस करेंगे. स्टैटिक जी के मैं एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे. 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे. ठीक है, तो इसमें स्टेट स्टैटिक पोर्शन एंड स्पेशल नॉलेज वो कल वाली ही रहेगी. हम 2 डेज रिपीट करते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको लर्न भी हो जाए. तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है. आलसी व्यक्ति ना तो भविष्य का होता है ना वर्तमान का. इसलिए आपको आलस त्याग के अपनी लेजीनेस को बिल्कुल हटा दीजिए अपने आप से और अपने भविष्य को संवारिए. आप अपना वर्तमान अच्छा कीजिए आलस को त्याग कर और फिर भविष्य आपका स्वतः ही सुधर जाएगा. आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. काफ़ी समझदार हैं आप सभी लोग. देखते हैं न्यूज़ क्या क्या रही हैं. फर्स्ट न्यूज़ है, लाइव लेवल एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एडॉप्टिंग टू ए डिस्टर्प्टेड वर्ल्ड. इस विषय के तहत विश्व शहर शिखर परिषद 2020 5 से 9 जुलाई 2020 अवधि में किन देशों में आयोजित किया जाएगा. तो सिंगापुर में. ये तो इसकी थीम जो है वो अच्छे से याद रखनी है. लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एडॉप्टिंग टू ए डिसरप्टेड वर्ल्ड. तो एंड इसकी जो थीम है वो तो ये रही है. और ये कहाँ पर हुआ है, तो ये सिंगापुर में. कब से कब तक हुआ है, 5 से 9 जुलाई को तक हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने कोविड-19 के तेज़ी से प्रसार का जवाब देने के लिए अपने प्रयासों में पहले घोषित $2 अरब की राशि में $14 अरब की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है. तो विश्व बैंक ने यह घोषणा की है कि जो 2 अरब की राशि थी उसको $14 अरब में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने भूटान में अपना पहला पेट्रोल पंप शुरू किया है. तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड में अपना पहला पेट्रोल पंप स्टार्ट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव स्थापित केंद्रीय हिमालयन संस्कृति शिक्षण संस्थान का स्थल क्या है. तो वो है दाहुंग, अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विषाणु परीक्षण करने के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी का नाम क्या है. तो वो है रोश डायग्नोस्टिक्स इंडिया, स्विस कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंच की ICC विकास समिति में शामिल होने वाले भारतीय कौन कौन हैं. तो वो हैं वृंदा राठी और एन जनानी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से वे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं. तो राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं महाराष्ट्र के जो व्यक्ति हैं वे हैं शरद पवार और रामदास अठावले. और महाराष्ट्र में 40% तक ही कर्मचारी अभी गवर्नमेंट ऑफिसेस में वर्क करेंगे. तो ये भी आपको याद रखना है. महाराष्ट्र में जो कैपिटल तो मुंबई हो जाती है, तो सभी को पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है. एंड शिव जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो यहाँ पर CM हैं, तो ये भी आपको याद रखना है. ओके, और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ पर राज्यपाल हैं. अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो आपको महाराष्ट्र के अंदर ही देखने को मिलेंगी. गोदाजारी जो पावर प्लांट है, गोदाजारी राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ ऐसे करके है, वो आपको महाराष्ट्र के अंदर ही मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल को राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शैक्षिक मंडल के साथ विलय करने का निर्णय लिया है. तो वो महाराष्ट्र ने निर्णय लिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने औद्योगिक और अवसंरचना साइबर स्पेस इन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. तो किस कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए हैं. कानपुर से आपको एक चीज़ रखनी है याद, कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीन पार्क आपको जो है कानपुर के अंदर मिलेगा. एंड कानपुर को उत्तर प्रदेश का या UP का मैनचेस्टर भी कहते हैं, जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है उसी प्रकार से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों के नैनो कंपोजिट कोटिंग की एक प्रक्रिया विकसित की जो 2 वस्तुओं में होने वाले घर्षण को कम कर सकती है. तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं जो सामान्य ज्ञान है वो देख लेते हैं। वर्नई दारुशलम कहाँ के जो है उसकी राजधानी क्या है? बंदर सेरी वेगवान है। आधिकारिक भाषा मलय है और मुद्रा जो है वर्नई डॉलर है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और मुख्य सचिव पूछ ले जाए तो वो है डेविड मालपास। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1974 में स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 में हुई। मुख्यालय दुबई UAE में अवस्थित है। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और डेली मोशन वेबसाइट एंड ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरी ऐप पर आपको हमें फॉलो भी करना है और वहाँ से वीडियो ऑडियो का रिवीजन भी करना है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या कह रही है। लोकसभा ने 17 मार्च को ध्वनिमत से विमान संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। विमान संशोधन विधेयक 2020 को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 फरवरी 2020 को लोकसभा में पेश किया था और 17 मार्च को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट, MSME मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू कर रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसे जिला उद्योग केंद्र, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और खादी में ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगारों युवाओं की मदद करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए भारत को सुलभ बनाने के लिए नवाचार आवश्यक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान का शुरुआत किया। जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा उनमें से कुछ पहल ई गवर्नेंस, आजीविका, कौशल सुधार और स्वास्थ्य जो है वो शामिल हैं। ओके, किसने जो है एक समझौता ज्ञापन पर एक अभियान किया, अभियान का प्रारंभ कर दिया, तो वो है नैशकॉम और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने मिलकर एक इनोवेटिव फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान की प्रारंभ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन को रेटिंग को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारतीय उद्योग की एक सक्रिय स्वैच्छिक कार्रवाई के रूप में स्वीकार किया गया। ग्रीन को रेटिंग, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विकसित किया गया है, उसे भारत में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा 2015 में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारतीय उद्योग की एक सक्रिय स्वैच्छिक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदान दस्तावेज में स्वीकार कर दिया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के 83 LCA तेजस एयरक्राफ्ट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने विमान विकास एजेंसी द्वारा डिज़ाइन किए गए 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने सफ़ेद मक्खी का मुकाबला करने के लिए कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म जो है विकसित कर दी है। लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने कीट के लिए कपास किस्म विकसित की है। यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के फरीदकोट केंद्र में अप्रैल से अक्टूबर तक वर्ष 2020 के क्षेत्र में परीक्षण शुरू करेगा। एक सफ़ेद मक्खी होती है, उसके मुकाबला करने के लिए कीट प्रतिरोधी किस्म की विकसित मतलब डेवलपमेंट किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मंत्री थुना ओजम श्याम कुमार सिंह को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2020 को एक आदेश में मणिपुर में राज्य सरकार के कैबिनेट बर्थ से वन मंत्री थुना ओजम श्याम कुमार सिंह को हटाने की घोषणा कर दी है।
ओके, तो ये थी हमारी डिटेल न्यूज़. अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, जिसमें हमने कल भी यूएनओ को डिस्कस किया था, आज भी यूएनओ को ही डिस्कस करेंगे. यूएनओ का मुख्यालय अगर पूछ ले जाए तो न्यूयॉर्क शहर में है. सदस्य अगर पूछ ले जाए कितने हैं तो 193. यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी. महासचिव एंटोनियो गुटेरस है. संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी. द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था. वे चाहते थे भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध उभर कर ना आए. संयुक्त राष्ट्र की संरचना सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम है द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि सबसे अहम देश थे. विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो देश है संस्था की संरचना में आम सुरक्षा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आपको क्वेश्चन यही बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो द हेग में, नीदरलैंड में. ओके, अब बात करेंगे स्टेट की तो पश्चिम बंगाल को डिस्कस कर लेंगे. पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को. राजधानी कोलकाता में है. सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है. कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है. ओके, राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के वो हैं जगदीप धनखड़ जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं. राज्य की पक्षी अगर पूछ लिया जाए पश्चिम बंगाल का तो वो है वार्न उल्लू. राज्य की पशु भारतीय हाथी है और जिला पश्चिम बंगाल में 23 है. विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है. विधानसभा की सीटें जो है 295 हैं. लोकसभा में 42 सीटें आती हैं और राज्यसभा में 16 सीटें आती हैं. ओके, जिले कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट है 23, लोकसभा में 42 और राज्यसभा जो है तो वो है 16. तो ये ऐसे करके आपको याद रखने हैं. यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछी जाए तो बंगाली और अंग्रेजी है. पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है. इसके पड़ोस में मतलब इसकी जो सीमा है किन किन राज्य और देश से लगती है, तो नेपाल, सिक्किम और भूटान से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है. असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार से भी इसकी सीमा लगती है. ओके, प्रमुख नदियां पश्चिम बंगाल की अगर पूछ ली जाएँ तो गंगा, भागीरथी, दामोदर. और दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, जिस प्रकार से कोसी को बिहार का शोक कहते हैं उसी प्रकार. गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली, महानंदा जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं. सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि बाघ का संरक्षण करता है वह भी आपको पश्चिम बंगाल के अंदर ही मिलेगा. जल्दापारा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में ही अवस्थित है. प्रमुख त्यौहार यहाँ पे दुर्गा पूजा और काली पूजा के रूप में मनाए जाते हैं. प्रमुख लोक नाट्य अगर पूछ लिया जाए तो जात्रा लोक नाट्य जो है यहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है. हवाई अड्डे अगर पूछ ले जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पूर्व नाम जो इसका था दमदम हवाई अड्डा था, वो यहीं पर आपको अवस्थित मिलेगा. प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, मक्का, जौ, पटसन, चना, मटर आदि पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसलें हैं. प्रमुख पर्वत जो हैं हिमालय और शिवालिक पर्वत हैं. प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र अगर पूछ ले जाएँ तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन जो कि कोलकाता में अवस्थित है, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरला प्लेटेरियम, सेंट्रल जू टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये सभी जो हैं अनुसंधान शोध केंद्र हैं यहाँ पर. ओके, पर्यटन स्थल अगर पूछ ले जाएँ तो विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी मतलब जैन मंदिर आदि जो है कोलकाता में अवस्थित हैं. स्टैटिक जीके में हम WHO को डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी कोरोना को लेकर काफ़ी विवाद रहता है, तो WHO को डिस्कस करना अनिवार्य हो जाता है. WHO ने ही ऑफिशियल नेम दिया है COVID-19, तो ये भी आपको याद रखना है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं, 2 संबद्ध सदस्य देश हैं. यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है. इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी. इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य को जो स्तर है स्वास्थ्य का जो स्तर है उसे ऊँचा करना है. 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है. WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है. इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनेम गेवेरियस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं.
वो डॉक्टर मार्गरेट चेन का स्थान लेंगे। 5-5 साल के 2 कार्यकाल यानी 10 साल तक काम करने के लिए इस पद से रिटायर हो रही हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य देश है। इसका भारतीय मुख्यालय राजधानी दिल्ली में अवस्थित है। अब बात करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो कल भी हमने संविधान के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं डिस्कस किए थे, आज भी वही रिपीट करते हैं जिससे आपको लर्न हो जाए। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस संविधान से मिली हुई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस के संविधान से ली गई है। रूस की कैपिटल अगर पूछ ली जाए तो मॉस्को होती है, अगर करेंसी पूछ ली जाए तो रूबेल होती है। ओके, एंड अगर यहाँ की संसद का नाम पूछ लिया जाए तो ड्यूमा होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी जो थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर जी हैं। अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ पूछ ली जाए तो लखनऊ में अवस्थित है। ओके, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। ओके, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो 11। कल 10 हमने बोला था तो कुछ मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, तो और जब हम पढ़ाते हैं तो हमें याद भी नहीं रहा बताने का, तो एक स्टूडेंट का कमेंट था तो ये क्वेश्चन हमने करेक्ट कर दिया। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक GK एंड GS एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप, ट्विटर, शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा एंड खबरी ऐप पर फॉलो भी करें और वहाँ से ऑडियो रिविजन अवश्य करें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।